हेलो एवरीवन, दिस इज सी सैयद फैजान अली फ्रॉम पंचायत राज संचालनालय भोपाल। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ आज एक समस्या के निराकरण के संबंध में, जो कि काफ़ी समय से लंबित चल रही थी। कुछ ग्राम पंचायतें हमारी 11-12 में बाय डिफ़ॉल्ट सेट थी, जिसकी वजह से वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि चालू वित्तीय वर्ष में काम करने में, एंट्री करने में, ओपनिंग बैलेंस डालने में असक्षम थी। तो आइए देखते हैं इस समस्या का निराकरण हम किस तरीके से निकालेंगे। ये हमारे मुरैना ज़िले की एक ग्राम पंचायत है बीलपुर, इसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 11-12 सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मैं ओपनिंग बैलेंस इसका डिलीट कर दूंगा। ओपनिंग बैलेंस में जो जो भी स्कीम मेरी मैप है सबकी, सबका जो जो भी स्कीम मैप है सबको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके। सर इसमें तो काफ़ी सारी स्कीम्स हमें दिख रही हैं, हम तो सिर्फ 14वें वित्त का ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर डालेंगे। हाँ, तो हम 14वें वित्त का बैलेंस इसके ओपनिंग बैलेंस के अंदर डालेंगे जब दिशा निर्देश कुछ और होंगे, जब लोगों की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, जब उनके रूल्स कुछ और होंगे तो उसके हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। अभी हमारे पास निर्देश हैं 14वें वित्त के लिए, तो हम 14वें वित्त में काम करेंगे। सर ये एक्सरसाइज क्या हमको सारी ग्राम पंचायतों में करनी पड़ेगी? तो जिस जिस ग्राम पंचायतों में फाइनेंशियल ईयर 11-12 सिलेक्टेड आ रहा है सिर्फ उसके अंदर मुझे करना पड़ेगी। ये वीडियो मैंने बनाया ही उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर है, जो बोला था सर कि जो भी लंबा प्रोसीजर है आप हमको बता दीजिए, हम उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन ताकि हम एक दूसरे के दूसरों के साथ जो आगे निकल गए हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो तैयार करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर मैप्ड हैं, सबका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से डिलीट करना है। ओपनिंग बैलेंस में जो भी स्कीम्स मैप हैं सबको डिलीट करना है। वीडियो के एंड में आप देख भी सकते हैं कि मुझको इसको करने में कितना टाइम लगा। सर सभी ग्राम पंचायतों में इतनी स्कीम्स होंगी क्या? हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कम स्कीम्स हों, वो तो ग्राम पंचायत टू ग्राम पंचायत डिपेंड करेगा कि किसमें क्या है। एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से हमको 11-12 का निराकरण निकालना है। ये सारी स्कीम से मैंने सिलेक्ट करी, डिलीट, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, अब क्या करना है मुझे, जो मैंने पेमेंट और रिसीट्स वाउचर एंटर किए हैं वो मुझको डिलीट करना है। अब मुझे पता कैसे चलेंगे सर इतनी सारी स्कीम से मैंने किस में स्कीम में पेमेंट वाउचर ऐड किया, किस स्कीम में मैंने रिसीट वाउचर ऐड किया? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझको रिपोर्ट में जाके मंथली कैश बुक खोलना है, मंथ वाइज कैश बुक 11-12 सारे के सारे मंथ में एक एक करके चेक कर लूँगा कि मेरी किस मंथ के अंदर कौन सी स्कीम के अंदर मैंने वाउचर पास करे। कैश बुक में हर चीज़ मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अप्रैल मैंने खोला, अप्रैल के अंदर 0-0 कोई वाउचर ही नहीं। ओके सॉरी, अप्रैल के बाद मैं जनवरी खोल, सारी लाइन से चेक करना है, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं एक्चुअली ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली जनवरी के ऊपर ही जंप कर रहा हूँ। ओहो, पंच परमेश्वर के अंदर एक रिसीट वाउचर पास्ड है। ओके, क्लोज किया, सॉरी, वाउचर ट्रांजैक्शन, रिसीट वाउचर, डिलीट। स्कीम मेरी कौन सी थी? पंच परमेश्वर। सर्च, पेमेंट वाउचर मैंने डिलीट किया। आइए अब हम चल के चेक करते हैं क्या हमारा फाइनेंशियल 11-12 का ऑप्शन खुला। तो यस, अब मैं फाइनेंशियल 19-20 सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिंपली क्लिक ऑन सबमिट और अब आप देख सकते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 सिलेक्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए, साथ साथ बने रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।